सोलन के साथ प्रदेश सरकार नाइंसाफी कर रही है, ये आरोप सोलन के विधायक कर्नल धनीराम चांडिल ने प्रदेश सरकार पर लगाए हैं। उनका कहना है कि सोलन जिसे मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है, यहाँ के बेरोजगार युवा मशरूम का उत्पादन कर अपना रोजगार चला रहे हैं, उन्हें समय समय पर खुम्ब अनुसंधान केंद्र से मार्गदर्शन और खाद भी उपलब्ध करवाई जाती थी, लेकिन अब ये सुविधा सोलन के युवाओं को नहीं मिल पाएगी क्योंकि यहाँ से खुम्ब अनुसंधान केंद्र के यूनिट मंडी जिलों में भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है, जो सोलन के किसानों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। रोष प्रकट करते हुए सोलन के विधायक कर्नल धनीराम चांडिल ने कहा कि सोलन में मशरूम उत्पादक किसानों के लिए हॉस्टल बनाया जाना था, जिसके लिए करीबन 4,26,00,000 रुपए स्वीकृत हो चुके थे। निर्माण कार्य के लिए संबंधित विभाग को 25% राशि भी जारी की जा चुकी थी, लेकिन अब इस भवन को यहां से मंडी भेजा जा रहा है, साथ ही खाद के यूनिट को भी मंडी भेजने की तैयारी कर ली गई है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इसका वे पुरजोर विरोध करते हैं, इसे रुकवाने के लिए अगर उन्हें सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा तो इसके लिए वे तैयार हैं, लेकिन किसी भी सूरत में यहाँ से इन यूनिट को कहीं और नहीं जाने देंगे। एक नाम मशरूम सिटी ऑफ इंडिया भी है और बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बहुत पहले कोई बाहर के बड़े अच्छे वैज्ञानिक जिन्हें हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का ज्ञान था यहाँ आए थे और उन्होंने इस स्थान को उपयुक्त पाया कि यहाँ खुम्ब की खेती की जा सकती है और इसीलिए यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर और एक बहुत अच्छा संस्थान है जो इस बारे में पूरे फार्मर्स को ट्रेनिंग देता है। जब मैं स्वयं मंत्री था, एक जमीन का चयन भी किया गया था जो कि मशरूम फार्मर्स हॉस्टल के नाम से हम बनाना चाह रहे थे और जिसके लिए तकरीबन 4,26,00,000 की धनराशि उस वक्त से लेकर मिली हुई है और जो हमारे पास अभी भी पड़ी है और वो सैंक्शन अभी भी है। इसके अलावा 2,03,00,000 टेंडर हिमुडा के पास दिया है, जिसका कि 25% पैसा भी अग्रिम राशि रूप में जमा है और वो इसलिए है कि वहां पर एक अच्छा हमारा खाद का एक यूनिट लगे ताकि ठीक तरीके से ये खाद उपलब्ध हो और खुम्ब की खेती में हमारे कृषकों को, हमारे युवाओं को किसी भी प्रकार का व्यवधान न पड़े। परंतु ये भी मुझे कहीं से सूचना मिली है कि इसका SMS और HOD को ही यहाँ से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रयास किया गया है, शायद मंडी के क्षेत्र में ले जाने का प्रयास किया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये सोलन की जनता के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि एक तो आजकल वैसे ही युवाओं को धक्के खाने पड़ते हैं चाहे कितनी भी शिक्षा लो, परंतु यदि उनके पास खुम्ब जैसी उत्पादन के लिए व्यवस्था है और सुविधा है तो उसे उनसे न छीना जाए, ऐसा मेरा मानना है। ये यहीं पे रहे और हम तो स्वागत करते हैं, सरकार यदि किसी दूसरे जिलों में, सब जिलों में, मैं तो कहता हूँ इस प्रकार के छोटे छोटे संस्थान खोलें, बहुत अच्छी बात है, परंतु हम किसी भी हालत में सभी लोग एक प्रकार से सड़कों तक उतरने को तैयार हैं, वो इस यहाँ के संस्थान को, यहाँ के इंस्टीट्यूट को कहीं जाने नहीं देंगे। और इसीलिए हम, मैं डॉक्टर सैजल से भी प्रार्थना की है कि हम दोनों ही आसपास के क्षेत्र के हैं, सोलन और कसौली के, उनकी अध्यक्षता में भी हम CM साहब को भी मिलें और राज्यपाल महोदय को भी मिलें और अपनी बात रखें कि यहाँ पे अगर हम, मैंने तो स्वयं एज ए मिनिस्टर ये चीज़
वहां पे हॉस्टल के लिए जमीन देखी है, और अगर ये जमीन की कमी की बात है या कोई ऑप्शन हमें दूसरी देखनी है, तो हमारे पास घट्टी और उस क्षेत्र में भी 48 बीघा जमीन है, हमारे पास घोड़ा में भी काफी ज्यादा मात्रा में जमीन उपलब्ध है, हम वहां भी इंस्टीट्यूट को ले जा सकते हैं।